नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे एक्सक्लूसिव गामा ओरिजिन की ट्रेनिंग सेशन में, जिसमें हमारे साथ कुछ ऐसे हस्तियां मौजूद हैं जिनको देखने के लिए तरस जाते हैं और हमें आज उन्हें देखने और साथ में सुनने का भी मौका मिल रहा है। अपने घरों में बैठे बैठे ही हम उन्हें लाइव आज सुनेंगे, देखेंगे। और इस मीटिंग में सबसे पहले मैं कदम सर जी का वेलकम करना चाहूंगा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने भी दोस्त अभी तक जुड़ चुके हैं उन सभी को जो है जय आरसीएम, जय हिंद। आज की जो मीटिंग है जो अभी स्टार्ट होने जा रही है, विनोद जी होस्ट कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है मेरे ख्याल से ईशा जी लेने वाली है। बिनू जी आई एम राइट, ईशा जी लेने वाली है और जितने भी दोस्त अभी जो है अभी तक जो है वो जुड़ चुके हैं उन सबको मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का जो सिलसिला चला है, चाहे वो हेल्थ गार्ड का है या न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का है, हरी संजीवनी का है या आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट का है या यूएस चैनल पे जो सेमिनार होता है डेली 4 बजे, इन सब चैनल्स को वो सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर ले। और मैं सीधे अगर आज के मुद्दे पे आऊं तो हेल्थ गार्ड आप सब लोग जो है 2007 या 2008 मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए हैं, 2006 या 2007 के आसपास लॉन्च हुआ था और तब से सबसे हिट प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड आरसीएम परिवार के लिए। और इवन दो जो लोग आरसीएम में नहीं है या जो लोग नेटवर्क या डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे हजारों लाखों परिवारों तक भी हेल्थ गार्ड तेल उनके घर में पहुंचता है, वो उसकी डिमांड करते हैं। ये हमने इतने वर्षों में 10-15 साल में देख लिया, लेकिन जो ये पिछले साल जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है गामा आयजनोल, इसके बारे में जो टेस्ट रिपोर्ट्स है और इसके बारे में जो पूरी दुनिया बोलती है कि हर घर की जो सेल्फ है उसके अंदर ये प्रोडक्ट होना चाहिए। किस तरीके से गामा आयजनोल से हम कितने बड़ी तादाद में कितने लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े महंगे ऑपरेशन से, वो जो हार्ट में, मैं बोलता हूँ ना कई बार मजाक में, जो हार्ट में वो स्प्रिंग डलवा के लाते हैं नालियां खोलने के लिए, तो ऐसे कितने लोगों को हम बचा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को समझना हमारे बिजनेस वॉल्यूम को और आपके बिजनेस को, जितना ज्यादा हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, इसकी ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गुर्दे वाली बात है, ऊपर वाले की साइंस चालू हो जाएगी और ऊपर वाले की जो साइंस है वो यही है कि कर भला तो हो भला। तो हम यहाँ पर सपोर्ट के बिजनेस में है, लोगों की सर्विस के बिजनेस में है और इसके बारे में गामा आयजनोल के बारे में हमारी अपनी आरसीएम की भाषा में, देखो ईशा जी जो बात करेंगी वो बिल्कुल टेक्निकल, तो आज की जो बातचीत है वो 4 हिस्सों में होने वाली है। एक मैं आपको जो बीनू जी ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया मैं आपको जो भूमिका बना के दे रहा हूँ, हमारी आरसीएम की भाषा में गुरुदेव हम लोगों को इसके बारे में कैसे मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से इसकी अप्रोच होनी चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों की, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। ईशा जी बिल्कुल टेक्निकल जो चीजें हैं, इसकी बारीक बारीक जो चीजें हैं वो हमें जो है बताएंगी, उनमें से जितना भी हम पकड़ पाते हैं वो पकड़ने की कोशिश करें। ये बाद में प्रोग्राम लाइव भी आ जाएगा, रिकॉर्ड भी मिल जाएगा और फिर कुछ 2-4 मिनट जितना भी ईशा जी चाहेंगी वो कुछ जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन जिन लोगों ने चैट में डाले होंगे उनके साथ वो बातचीत करेंगी, कुछ सवालों का जवाब देंगी। तो मेरी बातचीत को मैं यही विराम देता हूं और मैं गुरुदेव विदेशी छावड़ा सर को अगले 5-7 मिनट जो भी वो मैसेज देना चाह रहे हैं उसके लिए हम इनवाइट करेंगे। तालियां उनको दिखाई तो नहीं देंगी, सुनाई भी नहीं देंगी, लेकिन आपका जो जज्बा है एक बार जोरदार तालियों के बीच हम गुरुदेव विदेशी छावड़ा साहब को इन्वाइट करेंगे। विनू सर, विदेशी सर का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, मेरी आवाज चालू हो गई। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हमें तो आ रही है सर। हेलो,
सर जी बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है सर, सबको आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं ईसा जी को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने, मैंने एक दिन पहले बोला और उन्होंने सुबह 8 बजे के टाइम पे हमारी एक्सेप्टेंस कर ली। हमारे यहाँ पर जितेंद्र जी ने ये सुबह 8 बजे का प्रोग्राम स्टार्ट किया और बहुत हिट जाने लगा, तो मैंने कहा अब हमें इसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेना चाहिए। और आज हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और हेल्थ गार्ड की जो पूरी टीम है इसमें, मैं उन सभी का अभिवादन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आज जो बात आपके बीच में करूँगा वो मेरे अनुभव के आधार पे करूँगा। दो बहुत बड़ी बातें हैं आज हमारे बीच में। हेल्थ गार्ड के बारे में तो आप सारे ही लोग जानते हैं, क्योंकि हेल्थ गार्ड के बारे में RCM के किसी भी साथी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो इतना कन्विंस्ड है उस प्रोडक्ट के बारे में। मैंने तो अपनी यात्रा के अनुभवों में 90-90 साल के लोगों के चमत्कारिक अनुभव देखे, कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को इकट्ठा किया मेरे जाने पर, क्योंकि वो हेल्थ गार्ड के इतने दीवाने थे। और हेल्थ गार्ड तो मतलब अमेजिंग करता है। लेकिन अब मैं चूंकि आज बात गामा और इंदौर कर रहे हैं, और हेल्थ गार्ड मैजिक क्यों करता है, तो उसमें 1.5% गामा और इंदौर है, और हम बात कर रहे हैं 100% गामा और इंदौर की। तो जब 1.5% का जादू आप देख चुके हैं, 1.5% का जलवा आप देख चुके हैं, तो 100% का जलवा कितना होगा, उसको मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और ईसा जी भी आज आपके बीच में जो बोलेगी वो भले ही टेक्निकल बात करेंगी, लेकिन उन्होंने भी अपना रिजल्ट लिया है इस प्रोडक्ट के साथ, उनका इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ पे इसके रिजल्ट लिए हैं। और मैंने तो अभी ये जो छुट्टियों का जो पीरियड था, मैं आपको बताऊं कि मैंने छुट्टियों के पीरियड में इस प्रोडक्ट और थोड़ा सा अदर वर्किंग से 12 किलो वेट लूज किया है। मेरा थायराइड मैंने कंप्लीट एकदम मतलब रिवर्स कर दिया, और स्वेलिंग जो बॉडी पे थी, अगर मेरा चेहरा पहले किसी ने देखा और अभी का चेहरा देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे चेहरे पे जो स्वेलिंग दिखाई देती थी वो स्वेलिंग खत्म हुई है। इसके अलावा मेरा एनर्जी लेवल मैंने बहुत बूस्ट किया है। पहले शाम के समय में थक जाता था तो मेरे को रेस्ट पे जाना पड़ता था, मतलब दिन भर पूरा काम करने के बाद में इवनिंग में घर आने के बाद में कोई, और आज की तारीख में मैं रात को 11 बजे तक भी अपनी वर्किंग कर लेता हूँ। और मतलब मैंने इतने अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ मैं घर पे था तो मैं रेगुलर यूज कर पाया, और इस प्रोडक्ट की बहुत गहराई से टच में आया। मैं भोपाल में जब हमारा वंडर वर्ल्ड का ओपनिंग था तो ईसा जी भी थे वहाँ पे, और फिर लुधियाना में, तो जब मैंने आप लोगों की ट्रेनिंगें देखी तो मेरी दिल का मतलब मेरा दिल ही लगा हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में, एंड आई एम ए इमोशनल पर्सन, हिंदुस्तान में लाखों लोगों की, लाखों लाखों लोगों की, यानी करीबन 20-30 लाख लोगों का आंकड़ा होगा जिनकी डेथ हार्ट अटैक से होती है, और हिंदुस्तान में होने वाली डेथों में सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का कारण होता है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और अचानक वो जिस रूप में आता है, वो जो अचानक की जो डेथ है मैंने बहुत करीब से देखी है। इवन भी मेरे ससुराल में मेरे ब्रदर इन लॉ 50 साल की उम्र में अचानक, वो कहते हैं सुबह 6 बजे फोन आया और मॉर्निंग वॉक पे गए। तो ये जो इस तरह की जो डेथ होती है, और आज मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट की सहायता से एक आदमी की भी जिंदगी बचाते हैं, अगर एक जान को भी बचाने में आप सहायक होते हैं, तो आपको कितनी दुआएं मिल सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। और ये वाकई कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा बात करूंगा। और अभी मतलब जो मौतें होती है वो तो उनकी होती है, लेकिन जिन लोगों की थोड़ा बहुत प्रिकॉशनरी पहले पता चल जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो दवाई चालू करते हैं, और मेडिकल की दुनिया में उनकी जो दवाई है वो स्टेटिन करके एक सॉल्ट है, अलग अलग नामों से पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिकता है। और स्टेटिन के बारे में बता दूं कि जिस डॉक्टर ने स्टेटिन का आविष्कार किया वो खुद स्टेटिन नहीं लेता है, लेकिन क्योंकि मजबूरी है स्टेटिन का कोई मार्केट में विकल्प नहीं है, और स्टेटिन जो लोग लेते हैं तो रेगुलर लेने की वजह से धीरे धीरे उनको दूसरी दवाइयां चालू करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग बॉडी पे उसके अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो स्टेटिन का मतलब है कि और नई दवाइयों को अपनी, लेकिन अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं था, तो वो कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, तो वो स्टेटिन ही डॉक्टर लिखता है।
और स्टेट इन्हीं लोगों को लेना पड़ता है, लेकिन गामा ओरिजिनल के रूप में मैं समझता हूँ पूरी मानव जाति के लिए और खास तौर से आरसीएम के लोगों के हाथ में एक ऐसा तोहफा आया है। और मैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूंगा, आप इसको केवल डेली डोज में 2 या 3 टेबलेट चालू करो, और मतलब दोनों खाने के साथ में आप एक एक टेबलेट चालू करो, अपनी टेस्टिंग जितनी जो करानी है वो करा लो, और 1 या 2 महीने बाद में आपकी वापस नई टेस्टिंग रिपोर्ट निकाल लो। मैंने अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट निकाली, मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ही शानदार, मतलब इतना मिरेकल चेंज है इस 45 दिनों में, जो मतलब बयान नहीं है। थायराइड जो कि लाइलाज बीमारी मानी जाती है एलोपैथी में, उसको मैंने पूरा कंप्लीट क्योर किया है, अब मेरे कोई थायराइड नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, वेट लॉस करना ये सब चीजें। लेकिन जो मेन जो मुद्दा मेरा है, कोलेस्ट्रॉल, अचानक की मौतें, मैंने तो जीवन में 65 साल की उम्र में मैंने अपने नजदीकी रिश्तेदारी दोस्तों में ऐसे हाथ से देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब गामा और ओरिजिनल उसकी बात करता है, क्योंकि स्टेटिन जो आपके खून को पतला करने या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है, वो मेडिसिन है, मेडिसिन यानी यानी साल्ट, उसके कुछ दुष्प्रभाव है, और गामा ओरिजिनल न्यूट्रिशन है, यानी कुदरत का करिश्मा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि गामा ओरिजिनल लेते हैं तो धीरे धीरे 5-10 दवाइयां और बंद हो जाती है, मतलब अगर आपकी कोई दवाइयां चल रही होती है तो। ये अगर हम एक चीज के लिए भी ले रहे हैं तो साइड बेनिफिट इसके आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इतना विस्मयकारी प्रोडक्ट आरसीएम को मिलना और हेल्थ गार्ड का एसोसिएशन, मैं तो ये सब गॉड प्लान मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी बड़ी करिश्मे बिना ईश्वर के सपोर्ट के हो नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बेटे ने केवल, मेरा बेटा आरसीएम नहीं करता है, लेकिन मेरे बेटे ने केवल एक ट्रेनिंग करी थी अटेंड गामा ओरिजिनल की जालंधर में मैडम के साथ में। उसके बाद उसने यहाँ आते ही, भीलवाड़ा आते ही पहले एक जो बॉक्स खरीदा 48 पीस का, और अपने फ्रेंड सर्कल में उसने समझा के पूरा का पूरा बॉक्स खाली कर दिया। क्योंकि जैसे ही वो जालंधर से आया था, उसकी लाइफ में एक हादसा हुआ, उसका 40 साल का बहुत ही क्लोज फ्रेंड 40 साल की उम्र में उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, वो खुद उसको इमिडिएटली अहमदाबाद लेके गया, ऑपरेट हुआ, बाईपास सर्जरी हुआ। मतलब ये चीजें जो हम रोज देखते हैं, और क्या सोचो, आप सोचो जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनके जीवन में क्या गुजरती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी को पॉसिबली भी समझा रहे हो, और लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैंने समझा है, एक ये बुक है, अगर आपको मेरे हाथ से अभी दिखाई दे रही हो तो, ये जो बुक है, इस बुक में इसके सारे साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। और अभी तो ये बुक आपको अवेलेबल हो पा रही या नहीं हो पा रही मुझे पता नहीं, लेकिन ये बुक मेरे पास तो अवेलेबल है, और मैंने कई डॉक्टर्स को ये बुक दी, और जिन्होंने भी ये डॉक्टर्स को दी तो डॉक्टर्स ने आगे से डिमांड की, क्योंकि हर डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आज की तारीख में मैं अपने हर पेशेंट को स्टेटिन दे रहा हूँ, और स्टेटिन का साइड इफेक्ट ये भी वो जानता है, और उसका विकल्प जैसे ही उसको दिखाई देता है बहुत अट्रैक्ट। मैंने अपने पहले के जो टूर में जहाँ जहाँ मौका मिला, इवन मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर संपर्क में आए और सबने इसको लाइक किया। तो आपके पास ये बुक जरूर पहुंचनी चाहिए। एनी हाउ ये बुक करें और अपनी टीम में और डॉक्टर मित्रों में और जो भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं उन तक आप ये बात पहुंचाएं, तो 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग हैं जो स्टेटिन का यूज अभी रेगुलर कर रहे हैं। और अगर आप उनकी स्टेटिन बंद करवा पाते हो, और जितना रिजल्ट स्टेटिन का आता है उतना का उतना रिजल्ट गामा ओरिजिनल का है, यानी स्टेटिन का रिप्लेसमेंट पहले कुछ था ही नहीं। और इसका प्रूफ क्या है, गामा ओरिजिनल आप अगर गूगल पे जाएंगे तो ये बिक रहा है, ऑनलाइन में आप देखेंगे सॉरी अमेजन वगैरह पे तो 2500, 3000, 3500 रुपए में ये बिक रहा है। और कोई चीज अगर 2500, 3500 में बिक रही है तो इसका मतलब वो एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है। तो इसलिए आज जो ईसा मैडम आपके बीच में शेयर करेगी कई लोगों के एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, अपनी दिल की भावनाएं, आप उस लोगों को सुन के मैं समझता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग आज इसको महसूस करेंगे तो बाद में जो इसका यूट्यूब वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके
और इन दिनों में मैंने ये, क्योंकि मीटिंगें बहुत हो रही है, उनसे हम बहुत पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, बहुत नॉलेज फैला रहे हैं, लेकिन आज बिजनेस देने का जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो गामा ओरिडोल है। इसकी जरूरत हिंदुस्तान के हर भारतीय को है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 4-5 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाता है, और हम आजकल का जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, उसमें वो चीज है। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देके आपको पुनः एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अगर अपनी मेहनत, अपनी नॉलेज के माध्यम से एक जीवन में भी अगर आप ये प्रोडक्ट पहुंचा पाते हैं, तो मानवता के प्रति, भारत माता के प्रति, अपनी जिंदगी की दुआएं कमाने के प्रति ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको आप हल्के में ना लें, ये केवल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट के रूप में एक वरदान है जो हमें मिला है, और इस वरदान को बांटने से कहते हैं कि ये सेलिंग नहीं है, ये सेवा है। बस इस सेवा को नॉलेज के साथ करने से, क्योंकि जब बिलीव होता है तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने बिलीव के साथ लिया इसलिए मेरे रिजल्ट बहुत ज्यादा है। तो आप इस प्रोडक्ट को केवल शेयर नहीं करें, सेल नहीं करें, नॉलेज और प्रोडक्ट दोनों को करें, तो लोग भी आगे आपको इसके सपोर्टर मिलेंगे, और इसके माध्यम से आप नए लोगों तक पहुंच पाएंगे। और बहुत ही नट सेल में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं भी आती है, तो आप हेल्थगार्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और हेल्थगार्ड में 1.5% गामा ओरिडोल मात्र है, मात्र 1.5%, और जब आपको 100% मिल रहा है तो वो तो कितना रिजल्ट करेगा। इसी बात के साथ मैं अभिषा मैडम को इनवाइट करूंगा, और आप सब लोग पूरा दिल से और जिस तरीके से भी अभिवादन करना चाहिए उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे कि वो अपने दिल की बातें और साइंटिफिक वे में हमारे सामने रखेंगी। और मैं पूरे इंडिया की सारी ट्रेनिंगों का रिव्यूज ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यही ट्रेनिंग इसलिए पसंद करी कि सबने कहा सर जो सबसे अच्छी और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो रही है उनमें गामा ओरिडोल की बहुत अच्छी हो रही है, और ईसा मैडम की जो ट्रेनिंग हो रही है वो बहुत दिल से बातें कर रही है, बहुत पसंद आ रही है लोगों को, तो आज वो आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल मेंबर्स, ऑल लीडर्स, ऑल विजिटर्स एंड टोटल टीम, थैंक यू अगेन। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही थी सर क्लियर? जी जी सर बिल्कुल, हम आपको सुनने को बेताब हैं। थैंक यू सर, सर सुना तो मैंने था आपको जलंधर में, और बहुत मजा आया सुन के, तब मुझे पता लगा कि एक साल, एक जगह में एक साल जा पाते हो आप, क्योंकि इतना आपका बिजी शेड्यूल होता है तो एक जगह में एक साल में एक बार ही आने का मौका मिल पाता है, तो वो ट्रेनिंग मैंने आपकी सुनी है जलंधर में और बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जैसे आपने अभी कहा कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आजकल चल रही है, तो पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी ये भी है कि जो हम आपको एक साल में एक बार मिल रहे थे, अब हम बार बार आपको देख पाएंगे, बार बार मिल पाएंगे सभी लीडर्स के साथ, ऐसा सभी लीडर्स, सारी कोर कमिटी पूरी कोशिश कर रही है, हर किसी से हर रोज मिल रहे हैं बड़े बड़े लीडर से, और बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है सब पर, क्योंकि गुरु की जरूरत, ज्ञान की जरूरत तो हर किसी को होती है, अर्जुन जैसे योद्धा को भी थी, हमें भी होती है, और जब हमें ये ज्ञान ऐसे मिलता रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हेल्थ और गार्ड, आज की जो नेगेटिविटी की सिचुएशन है उसमें हेल्थ और गार्ड विजेता निकल के आ रहा है। हेल्थ यानी कि अच्छी सेहत, रोग मुक्त व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति होता है, तो सेहत और गार्ड यानी कि हमारा सुरक्षा कवच जिसे हम अपनी इम्यूनिटी बोलते हैं, तो वो जीत के निकल के आ रहा है। और इस ट्रेनिंग के बाद जैसे सर ने बोला कि मैं बहुत दिल से बताती हूँ, इतनी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इतने दिल से आपको बताऊं कि आपके दिल तक पहुंच जाए और आप वाकई में मेरे साथ यकीन माने और वाकई इस बात को बिलीव करें कि गामा ओरिडोल एक विजेता है आज की सिचुएशन में। और जैसे कि सर ने भी बताया कि बिजनेस को इम्प्रूव करने में ये बहुत हेल्प करेगा, आगे एक कामयाबी की नई चोटी पर लेके जाएगा। अगर मैं इसे एक सोने की खान बोलूं तो मैं गलत नहीं होंगी, और इस ट्रेनिंग के बाद आप मेरे साथ इसमें यकीन करेंगे। देखिए आज की जो हमारी स्थिति है, हम ट्रेनें बंद हैं, एरोप्लेन बंद हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिससे हम जहां भी चाहें वहां पहुंच सकते हैं।
वो यंत्र है हमारा मन, हमारा दिमाग। हम कहीं भी जाना चाहे हम जा सकते हैं। तो अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं विदेश यात्रा पर लेके जाऊंगी, तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। हम चलेंगे सबसे पहले जापान में। जापान में 1954 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम है किनोको और सुचियो, 1954 में उन्होंने यह पाया कि राइस ब्रांड में एक अनोखा पोषक तत्व होता है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। अगर उसे पाउडर की तरह निकाल लिया जाए, और उन्होंने निकाला 1954 में उन्होंने निकाल लिया गामा ओरिजिनॉल को, और उस पाउडर को दवा की तरह अगर खाया जाए तो वो हमारे शरीर पर अद्भुत लाभ कर सकता है। 1954 में जब उन्होंने उस पाउडर को निकाला, उस पाउडर के फायदों पर पूरे विश्व में अध्ययन शुरू हो गए और ऐसे ऐसे फायदे निकल कर आए। और मैं गलत नहीं होंगी अगर मैं बोलूंगी कि आज तक अलग अलग उसके फायदे आज तक आ रहे हैं, और जो हमें मालूम भी नहीं, जो अभी तक स्टडीज भी नहीं हुई, वैसे फायदे भी निकल के आ रहे हैं इस मिरेकल गामा ओरिजिनॉल के। जापान ने सबसे पहले इसे दवा के रूप में पंजीकृत किया 1962 में, टेंशन को दूर करने वाली दवा। 1970 में मेनोपॉज के लक्षणों में राहत देने वाली दवा के रूप में इसे मान्यता दे दी। और 1986 में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को ठीक करने वाली दवा के रूप में इसे मान्यता मिल गई। अगर मैं दवा दवा बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुष्प्रभाव करेगी, वो साइड इफेक्ट करेगी। दवा कुदरती दवा है, ये साइड इफेक्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग्स करती हैं, फार्मास्यूटिकल दवाइयां करती हैं, क्योंकि वो लैब में आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल्स को मिलाकर बनाई जाती हैं। लेकिन ये तो कुदरत के खजाने से निकाली गई दवा है, तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। और कुछ आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे बीसी सर ने भी आपको दिखाया कि ऐसे बेच रहा है जापान, अमेरिका, यूके इसे, थाईलैंड ऐसे बेच रहा है, अलग अलग दावों के साथ बेच रहा है। ये जो सभी आप पिक्चर्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये सब गामा ओरिजिनॉल है और ये अलग अलग दावे के साथ बिक रहा है, कोई चीज ठीक करने के, कोई कोई चीज ठीक करने के, ऐसे लिख कर बेचा जा रहा है। और अमेरिका, यूके, थाईलैंड में इसे डाइट्री सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, मसल बिल्डर, एथलीट्स के लिए बेचा जा रहा है। और ये जो कंट्रीज हैं जहां हम सैर कर रहे हैं, जापान, अमेरिका, यूके, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कानून बहुत सख्त हैं। अगर सेहत के लिए कोई दावा किया जाए तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे सबूत होता है उन दावों के पीछे। वहां पर इसे रजिस्टर किया गया है। आप सबने यूएसए एफडीए का नाम सुना होगा, मैं सबको देख पा रही हूं, आप हाथ ऊपर करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। यूएस एफडीए, अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में गामा ओरिजिनॉल को एक यूनिक इंग्रेडिएंट की मान्यता दी है, और उन्होंने लिखा है कि इसका आज तक कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ और ये एक यूनिक इंग्रेडिएंट है। रजिस्ट्रेशन मिली हुई है इसे यूएस एफडीए में, और वहां के डॉक्टर्स यूएसए में, मैनचेस्टर हॉस्पिटल है यूएसए में, वहां पर डॉक्टर्स इसे दावे के साथ बेच रहे हैं। वहां पर उसे ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग डोजेज, उसका लिंक भी मैंने आपको दिया है स्क्रीन पर, उस लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा रही है ये कुदरती दवा जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और सर ने आपको अभी बताया कि ये ना केवल दावों के साथ बिक रही है बल्कि महंगे दामों में बिक रही है। आज की डेट में अगर हमारे देश में कोई चीज नहीं मिल रही, कोई नहीं बन रही चीज, तो हम उसे दूसरे देश से मंगवा सकते हैं। हम ऐसे कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, जिसका आज आप देख ही रहे हैं परिणाम। हजार लोग 8 बजे पूरे एग्जैक्ट हम इकट्ठे हो गए और लाखों लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं इसे लाइव। तो ऐसे टेक्नोलॉजी में हम बैठे हैं कि अगर हमारे देश में कोई चीज नहीं मिल रही, हम बाहर से मंगवा सकते हैं। और अगर हम इसे मंगवाएं, ये 3533 रुपए में हमारे घर पहुंचेगा। सोर्स नेचुरल गामा ओरिजिनॉल जो अमेरिका की कंपनी है, ऐसे अलग अलग कंपनीज वहां पे बना रही हैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में। 2800 से 4500 रुपए में गामा ओरिजिनॉल आपको मिलेगा, कोई 30 mg का, कोई 60 mg, कोई 90 mg, और ये सबसे अच्छा है जो ऊपर आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहा है, काल गामा ओरिजिनॉल। ये इकलौता गामा ओरिजिनॉल है इंटरनेशनल मार्केट में जो 100 mg गामा ओरिजिनॉल दे रहा है एक कैप्सूल में। अगर इसे आपको अपने घर मंगवाना है तो ये 4144 रुपए में आपको मिल जाएगा।
क्यों इतना महंगा, ये आपको पता है सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे, और थोड़े से फायदों पर इसके आज चर्चा करेंगे। और जो हमारा आज का मिशन है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हाँ हमें अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो हमारे पास कंफर्म स्टडीज हैं जो दावा करती हैं कि गामा और इज़नोल हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आज की डेट में अगर हमें निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे फूड खाएं, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये रातों रात नहीं बनेगी, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, WHO जानता है कि रातों रात आपकी इम्यूनिटी नहीं बनेगी। आपको ऐसे भोजन लेने चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो ये गामा और इज़नोल, मेरे पास थाईलैंड की स्टडीज हैं, यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश स्टडीज हैं। आपको अगर यहाँ पर, क्योंकि 1000 लोग हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉक्टर्स भी होंगे, हम चैट बॉक्स में आपको गामा और इज़नोल की इम्यूनिटी बूस्टिंग की स्टडीज डालेंगे, आप पढ़ना उसे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करने में कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और भी इसके अनेकों फायदे हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में ये मदद करता है, बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस, लिवर की बीमारियां। क्या होता है, हमें इन बीमारियों से बचने की क्यों जरूरत है, हमें रोग मुक्त होने की क्यों जरूरत है। मैं आपको एक सीधी सी, जैसे सरल भाषा से कदम जी ने भी शुरुआत की, BC सर ने भी बड़ी सरल भाषा में बताया, तो मैं भी सरल भाषा में आपको एक चीज बताती हूँ। आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर इस फूल को देख पा रहे हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं फूल को, तो ये जो फूल है इस फूल पर छोटे छोटे कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे, ये छोटे छोटे कांटे इस फूल पर जो हैं, ये कोई ना कोई बीमारी है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है, कोई ना कोई बीमारी जिससे कोई ना कोई व्यक्ति ग्रस्त है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो BP है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो शुगर है, कोई भी बीमारी, उस बीमारी को हम ठीक करना चाहते हैं, हमें ये कांटे नहीं चाहिए अपने शरीर पर, तो उन कांटों को काटने के लिए जिस औजार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ये इतनी बड़ी कैंची, इतनी बड़ी कैंची, आप मान लीजिए इससे भी बड़ी कैंची हम यूज कर रहे हैं छोटे छोटे कांटों को निकालने के लिए। और अगर मैं इस कैंची से ये छोटे छोटे कांटे निकालूंगी तो स्वाभाविक है कि मैं पत्ते भी काट दूंगी, डाली भी काट दूंगी और पूरा का पूरा फूल ही नष्ट कर दूंगी। यही कर रही हैं वो सभी फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो हमें लेनी पड़ रही हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए। दवा बेचने वाली कंपनी खुद कहती है, दावे के साथ कहती है कि हाँ साइड इफेक्ट्स होंगे। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर चेक फील कर लीजिए, उन्होंने लिखा होगा कि हाँ आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की, कुछ भी साइड इफेक्ट आपको आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कुदरती कोई ऐसा तरीका हो, जैसे सर ने भी अभी बताया कि कुदरती हमारे पास कोई ऐसा औजार हो जो हमारी सेहत को नष्ट ना करे, हमें साइड इफेक्ट्स ना दे और बीमारियों के करीब ना लेके जाए, तो हमारे लिए वो एक वरदान होगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका एक फायदा बताती हूँ, जापान के बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और मैंने आपको अभी बताया कि 1986 से लगभग 35 साल पहले से जापान के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, प्रमाणित है। स्टैटिन जो कि एक फार्मास्यूटिकल ड्रग है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, अलग अलग नामों से, स्टैटिन इकलौती फार्मास्यूटिकल दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, नाम अलग अलग है। सॉल्ट अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा खा रहे हैं उसका सॉल्ट जरूर चेक कीजिएगा, वो सॉल्ट स्टैटिन ही होगा। और इसके इतने दुष्प्रभाव हैं कि FDA कहता है कि स्टैटिन से आपको डायबिटीज, मसल डैमेज और मेमोरी लॉस होता है। वार्निंग दी है, लेबल पर लिखती हैं वहां पर कंपनियां कि हाँ स्टैटिन लेने से ये सब कुछ होता है। और आपको दिखाना चाहूंगी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जो बहुत सारी कंट्रीज में जर्नल जाता है, वहां के 2014 में वहां के एक प्रकाशित स्टडी जो उसमें प्रकाशित हुई है, उसका दावा है कि गामा और इज़नोल की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। उस जर्नल की कॉपी मैंने सामने रखी है और चैट बॉक्स में भी आपको ये जर्नल मिल जाएगा जो ये दावा कर रहा है। और भी इसके अनेकों फायदे, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज है
उन लोगों को उनमें इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अमेरिका, थाईलैंड और जापान के अध्ययन ये बताते हैं, एंटी कैंसर है, बहुत सारी कंट्रीज में स्टडी हुई है कि बहुत सारे कैंसर्स की रोकथाम में मदद करता है गामा और रिजनॉल। और कुछ ऐसी स्टडीज भी है हमारे पास जो कहती हैं कि ट्रीटमेंट में कई तरह के कैंसर, कलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट में भी मदद करता है गामा और रिजनॉल। जो भी हम बात करेंगे हम सबूतों के आधार पे, साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे, पब्लिश साइंटिफिक स्टडीज के आधार पे करेंगे। लीवर, लीवर में इस पर सुरक्षात्मक प्रभाव देता है गामा और रिजनॉल। ये भी जापान में नागासाकी यूनिवर्सिटी में पब्लिश स्टडी है कि लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है गामा और रिजनॉल। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, उसका दावा है कि गामा और रिजनॉल शराब पीने से जो लीवर पर डैमेज होता है उस पर सुरक्षात्मक प्रभाव देता है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ठीक करता है गामा और रिजनॉल, ये भी जापान की बहुत सारी पब्लिश स्टडीज हैं। सूजन को कम करता है, जिसका आपको प्रमाण अभी बीसी सर ने भी दे दिया कि उनके शरीर में सूजन कम हो गई, इन्फ्लामेशन। हम सूजन को बहुत ऐसे ले लेते हैं कि शायद हम इतना सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सूजन ऐसी चीज है जो अनेकों बीमारियों को पैदा करती है। क्योंकि गामा और रिजनॉल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हर तरह की सूजन को ठीक करता है। और सूजन ना केवल मांसपेशियों की सूजन होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में भी सूजन हो जाती है। अगर आंतों की सूजन हो जाए तो एकदम पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स की सूजन पर भी काम करता है गामा और रिजनॉल, ये अमेरिका जापान के अध्ययनों का दावा है। मेनोपॉज में जो औरतों को समस्याएं आती हैं, 40 साल के बाद प्रत्येक महिला को गुजरना पड़ता है इस दौर से, तब वजन बढ़ना, हड्डियां कमजोर होना, बाल झड़ना, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, अनेकों दुष्प्रभाव होते हैं इस फेज के। जापान इसे 1970 से ऐसे बेच रहा है, आप फोटोज देख सकते हैं, दावों के साथ बेच रहा है गामा और रिजनॉल फॉर मेनोपॉज सपोर्ट। यानी कि उस समय औरतों को जो दुष्प्रभावों से मुक्ति देने के लिए, उनको राहत देने के लिए बेचा जा रहा है गामा और रिजनॉल जापान में। हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है गामा और रिजनॉल, ये भी सबमिटेड है, थीसिस सबमिटेड है अमेरिका में, जो दावा करता है कि हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है गामा और रिजनॉल। थाईलैंड की स्टडीज दावा करती हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, ये स्किन को हाइड्रेट करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। यूएसए और इटली की, यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस दिया आपको, यूएसए और इटली की पब्लिश स्टडी है, उन्होंने कंबाइंड दोनों कंट्रीज ने स्टडी की कि न्यूरो प्रोटेक्टिव है गामा और रिजनॉल, अल्जाइमर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट में मदद करता है गामा और रिजनॉल, चिकित्सीय क्षमता है इसकी उसके ट्रीटमेंट करने में। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है गामा और रिजनॉल, अमेरिका इसे कब से स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में बेच रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेस को दूर करता है, टेंशन को दूर करता है, और हमारे जो मसल्स हैं उनको भी स्ट्रांग करता है। तो स्टीरॉयड की रिप्लेसमेंट है गामा और रिजनॉल, एक तरह से कुदरती तत्व है ये जो हमारी मसल्स को मजबूत करता है। एंटीऑक्सीडेंट है ये बहुत अच्छा, विटामिन ई से भी 4 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और जापान ने तो इसे रजिस्टर किया हुआ है एज एन अप्रूव्ड एंटीऑक्सीडेंट। मोटापे की रोकथाम में मदद करता है, अगर कोई वेट लॉस प्लान पे है तो उसके वेट लॉस में मदद करेगा गामा और रिजनॉल। जैसे बीसी सर ने तो पूरी एग्जाम्पल दे दी, सर बहुत ज्यादा उन्होंने वेट लॉस किया है अपने वेट लॉस जर्नी पे, गामा और रिजनॉल ने उनकी मदद की है और भी वेट को जल्दी फास्ट लूज करने की। और भी इसके अनेकों फायदे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा समय है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आजकल के दिनों में, तो उसकी एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि हम कुछ भी सीखना चाहें हम सीख सकते हैं। और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फायदों के बारे में पूरा गूगल भरा पड़ा है, तो आप जितना पढ़ना चाहें उसके बारे में पढ़ सकते हैं। थायराइड, बीपी, हर तरह की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां जिनमें, जिनकी रोकथाम में मदद करता है गामा और रिजनॉल। तो ये एक विजेता है ये अद्भुत पोषक तत्व। और भारत में वापस आते हैं, अभी अपने यंत्र में हम बैठे हुए थे, तो भारत में इसका क्या स्टेटस है उसके बारे में जानते हैं, अपने घर वापस आते हैं। भारत में हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे रजिस्टर कर दिया है 2016 में एज एन अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल, एक पौष्टिक औषधि जो आपकी डाइट में हर रोज होनी चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता मिल गई। अभी तक
कोई कंपनी भारत में गामा ओरिजिनल बना नहीं पा रही थी, लेकिन आपकी हेल्थ गार्ड कंपनी, आपकी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी, उसने भारत में पहली बार गामा ओरिजिनल बना लिया, पहली बार कामयाबी पाली और इकलौती कंपनी है जो गामा ओरिजिनल बना रही है। कदम हमने अपने पीछे छोड़ दिए हैं निशान, लेकिन हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि कोई भी और कंपनी गामा ओरिजिनल बना नहीं पाएगी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया, सालों की रिसर्च से बनाया और हमने एक मिशन के साथ बनाया है। जैसे सर ने भी अभी बोला कि भला करो, अगर आपको भला करने का मौका मिले तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होंगे। तो हमें भी, हमने भी इसको गामा ओरिजिनल को तैयार किया इस मिशन के साथ, भला करने के मिशन के साथ, स्वस्थ भारत के मिशन के साथ इसको तैयार किया गया कि भारत को रोग मुक्त बनाना है, भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। तो हमने पहली बार राइस ब्रांड से गामा ओरिजिनल पाउडर की फॉर्म में तैयार कर लिया और उसे टेस्ट करवाया। आजकल आप टीवी पे सुनते होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का नाम, हैदराबाद में है ये इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, जहां पर रिसर्च होती है, स्टडीज होती है। हमारे पास उसकी प्रमाणित स्टडी है, अगर आप किसी को भी चाहिए आप ले सकते हैं, जो दावा करती है कि एपी ऑर्गेनिक्स का बनाया गामा ओरिजिनल एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है गामा ओरिजिनल। और हमने ना केवल हमारी एनआईएन से टेस्टिंग करवा के संतुष्टि हुई, हमने उसे जापान भेजा क्योंकि जापान सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल बना रहा है। हर साल 7500 टन गामा ओरिजिनल वहां पर बिक रहा है दवाइयों के फॉर्म में। तो वहां पर हमने भेजा जापान की एक कंपनी में अपना सैंपल भेजा कि आप टेस्टिंग कीजिए। तो उन्होंने हमें मेल लिखी है, आप मेल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उन्होंने हमारी गामा ओरिजिनल की प्योरिटी निकाली है 103.77%, 103.77%। अब आप सोचेंगे 100% तो होता है, ये 103.77% क्या है? 103.77 मतलब उनका जो 100% का स्टैंडर्ड है उसको भी हमने बीट कर दिया, उसे पीछे छोड़ दिया और ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी प्योरिटी वो खुद 103% बोल रहे हैं। और उन्होंने साथ ही साथ हमसे कोट मांगी, आपके सामने दूसरी मेल भी रखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1200 किलो पाउडर हमें भेजिए, 1800 किलो पाउडर हमें भेजिए, कोट मांगी है उन्होंने कि पैसे बताइए कितने चाहिए। लेकिन हमने अपने गामा ओरिजिनल के लिए के साथ क्या किया वो आपके सामने है। हमने हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल आरसीएम के साथ मिलके लॉन्च किया क्योंकि आरसीएम ही है जो इस मिशन को कामयाब बनाएगा, जिस मिशन के साथ ये लॉन्च किया गया है, भारत को स्वस्थ बनाएगा, भारत को रोग मुक्त बनाएगा, घर घर तक पहुंचाएगा आरसीएम गामा ओरिजिनल को। और जिसके चलते उन्होंने भी इसकी कीमत इस तरह से तैयार की, इस तरह से रखी है कि कोई भी व्यक्ति को एक बार सोचना भी ना पड़े प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कि वो महंगा है। 360 रुपए सिर्फ डीपी प्राइस और 450 एमआरपी में ये प्रोडक्ट इंडिया में आरसीएम ने लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ठान दी। और 150 mg, यहाँ पर बात बताने वाली ये बहुत जरूरी है कि मैंने आपको दूसरे ब्रांड दिखाए थे गामा ओरिजिनल के अलग अलग कंपनियों के, कोई 30 mg, कोई 60 mg, कोई 90 mg, सबसे अच्छा 100 mg, लेकिन आपका हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल तो एक कैप्सूल में 150 mg गामा ओरिजिनल दे रहा है। और अगर प्राइसेस से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है 10% से भी कम कीमत पर आपका प्रोडक्ट है ये, और वो 90-95% प्योरिटी का दावा करते हैं, आपका तो 103% प्योरिटी वाला प्रोडक्ट है। इससे हम इसके फायदे जान चुके, बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसकी कीमत जान चुके, इसे लेने के निर्देश भी जानने जरूरी हैं ताकि इसका पूरा लाभ हम ले सके। 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति इसे ले सकता है, चाहे वो 80 साल का है, चाहे वो 90 साल का है, लेकिन मिनिमम एज इसे लेने की 18 वर्ष है। और क्योंकि अभी आपको एक पॉजिटिव बात बताती हूँ कि अभी की जो स्थिति है 40-50 दिन में, हमारे साथ बहुत सारे रिसर्चर्स जुड़ गए हैं जिनको पहले टाइम नहीं मिल पा रहा था, कई फील्ड के डॉक्टर्स जुड़ गए हैं, तो सारी स्टडीज पर उन्होंने यह निर्धारित किया कि आपकी प्योरिटी ज्यादा है, आपकी फिलिंग ज्यादा है, तो अगर आप 3 कैप्सूल रेकमेंड करना शुरू करेंगे, 3 कैप्सूल, तो लोगों को अद्भुत लाभ होंगे, इम्यूनिटी में भी बूस्ट मिलेगा। तो 3 कैप्सूल आपको लेने हैं। मैं मानती हूँ कि पिछले जो हमारे लेबल हैं उन पर 2 कैप्सूल लिखा हुआ है,
लेकिन जो नए लेबल अब बन चुके हैं उसमें 3 कैप्सूल आएगा। अगर किसी के पास पड़ी है गामो ओरिजिनल तो वो आज से 3 कैप्सूल लें, सुबह दोपहर और शाम, भोजन से तुरंत पहले। कभी भूल जाएं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं, तो वो जब उन्हें याद आए, जैसे रात को अगर याद आया जितने कैप्सूल रह गए, अगर उन्होंने एक लिया तो वो 2 इकट्ठे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सही तरीका सुबह दोपहर और शाम को भोजन से तुरंत पहले लेने का है। पूरी जिंदगी ले सकते हैं इसे, और मैक्सिमम 3 महीने में। मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ कि मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि 3 महीने आप मेरे कहने पर ले लीजिए, फिर मैं गारंटी करती हूँ कि उसके बाद पूरी जिंदगी आप खुद ले लेंगे, क्योंकि 3 महीने में तो आपको फायदे आएंगे ही आएंगे। किसी भी फार्मा दवा, किसी भी डाइट्री सप्लीमेंट के साथ आप इसे ले सकते हैं। अगर कोई फार्मा दवा ले रहे हैं तो उसे डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, छोड़ पाएंगे आप वो दवा, आप बिलीव के साथ लीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि लेबल पर भी लिखना होता है और हमने भी ऐसे ही रेकमेंड करना है। और कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे सर ने बोला कि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, मैंने सर से शेयर किया कि सर तो ही इतने दिल से बोला जाता है क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। तो आपको अपना टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ कि मैंने 4 महीने में, जब मेरी दूसरी डॉटर हुई तो मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था 1 साल, तो 4 महीने में 17 किलो वेट लूज किया है। मेरी पब्लिश भी हुई है स्टोरी दैनिक जागरण में, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने 50 दिनों में 17 किलो भार घटाया है। और मैंने अपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट पहले ही करवा लिए थे, जैसे सर ने भी करवाए हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिखना मुश्किल है। मैं आपको ये चार्ट फॉर्म में समझाती हूँ। मेरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम HDL बोलते हैं, उसमें 50% इंक्रीज आया है, 50%। LDL कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, 20% तक नीचे आया है। VLDL 44% कम हुआ है, जो वेरी 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 बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड, जो हम सब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड, जिसके कारण शुगर की बीमारियां तक होती हैं, वो मेरा 44% डिक्रीज हुआ है। ये 2019 की मेरी रिपोर्ट है। मुझे पता है आपको प्रोडक्ट उस टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन हम पे पूरे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो इसीलिए मेरे पास गामा ओरिजिनल था, मैंने ऐसे ही लिया। और कुछ लोगों को और अनुभव उनका शेयर करना चाहूंगी आपके सामने, आप देखिएगा। आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। थैंक यू हेल्थ कार्ड, थैंक यू गामा। और 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टेबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा पूरा आराम है उसमें। जैसे बोलने में दिक्कत आ गई थी, अटक अटक के बोल रहे थे, वो प्रॉपर ठीक हो चुके हैं। और हल्की सी हाथ की मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक हो चुकी है। तो मुझे प्राउड है गामा ओरिजिनल के ऊपर। और अगस्त से आज तक मार्च, मैं फरवरी लास्ट 28 तक 10 टेबलेट लिपेस जान के रख देते, 6 टेबलेट यूज हुआ और यूज टोटल बंद हो गया। अभी महीने में 30 टू लगता था, अभी मेरे जस्ट 8 महीने में 6-2 टेबलेट लगा। My glucose nervous, it is gone, it is not able to find out now. होता था 2 महीने से इसको ले रहे लगातार, अभी हम लगभग 10 मिनट अच्छी तरह से दौड़ लेते हैं और 1.5 घंटा के आसपास व्यायाम कर ले पा रहे हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इसका, लगता है ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़िया करता हूँ और उसके साथ साथ कुछ गैस ट्रबल भी मुझे था, जिसमें भी पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 11 महीने में मुझे बहुत और ये जो माथा जो घूरने का भी जो था वो टोटली जो है अभी स्टॉप है, और बहुत अच्छा अपने आपको अंदर से भी फीलिंग आ रहा है। और सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल तो आज आपको खुद, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे BC सर, उनसे मिल गया है। तो आपका विश्वास इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा।
और हम इस प्रोडक्ट के साथ अपने देश को अच्छे स्वास्थ्य का तोहफा दे सकते हैं, और ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि यूनिक ऐसे क्योंकि सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स बना रही है, सिर्फ आरसीएम मार्केट कर रही है, तो अपनी जो इकोनॉमी है देश की उसको भी बड़ी तेजी से ऊपर लेके जा सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि आप मेरे साथ बने रहे, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे पीछे एक बार हेल्थ गार्ड बोल दीजिए, मेरी सेहत का गार्ड, हेल्थ गार्ड, हेल्थ गार्ड, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी स्टडी चाहिए गूगल से भी आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको कोई भी स्टडी, कभी भी कोई मदद चाहिए, कोई टेस्टिमोनियल चाहिए, कोई सेफ्टी स्टडी चाहिए, आप इस नंबर पर 8847312706 इस पर कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमने पूरा हेल्थ गार्ड केयर सेंटर बना लिया है आपकी मदद करने के लिए, तो वो आपको साथ ही साथ रिवर्ट आ जाएगा। और 11 बजे यूईएस चैनल पर, जैसे कदम जी ने बोला कि आप हर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यूईएस चैनल जो ऑलरेडी आप सबने सब्सक्राइब किया होगा उस पर भी ट्रेनिंग है 11 बजे हेल्थ गार्ड ऑयल पर। तो बीसी सर से मैं आग्रह करूंगी कि सर आप एक बार फिर से सबको मोटिवेट कीजिए हमें। जी सर, सर एक सेकेंड, आपका माइक अभी अनम्यूट करना है। बीनू सर का माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी सर, अब बोलिए। हाँ। सर आवाज सर, मैडम मैं आपको मतलब जितना आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। मैडम मैं मतलब आपके जो ये शब्द और आपके दिल की जो फीलिंग्स हैं वो सुन के मैं रोमांचित हूँ और मैं गदगद हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ और जितने रिजल्ट मैंने लिए, मैं अगर सारे रिजल्ट बताऊं तो शायद लोग बिलीव भी नहीं करेंगे। हालांकि मैं अभी इन दिनों हेल्थ पे फोकस होकर मैंने पूरा हेल्थ पे काम किया और जो हेल्थ मैंने रीगेन किए, 65 साल की मेरी एज है और हेल्थ पे जो मिरेकल मैंने क्रिएट किए हैं मेरे सेल्फ हेल्प पे, वो उसमें गामाजनोल का बहुत सपोर्ट रहा है। और कितने रिजल्ट लिए हैं मैंने, नहीं तो 65 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं। और बाकी मेरा चेहरा तो सभी लोग पहले देखे हुए हैं तो उनको पता चल रहा होगा कि कितनी स्वेलिंग उसकी कम हुई है, क्योंकि मैं तो रोज अपना चेहरा देखता हूँ तो मुझे तो पता चलेगा नहीं। लेकिन मेडिकल टेस्ट जो मैंने कराए, क्योंकि मेरे को लग गया था कि अपना थायराइड ठीक हो गया, तो मैंने पहले जो करा रखा था दोबारा कराया तो उसमें हो गया, तो साथ में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी लगा, तो मैंने बहुत ही अच्छे। एक मदर अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रही है और मैं समझता हूँ कि, और मैं इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट नहीं मान के गॉड गिफ्ट मानता हूँ। और 5-6 करोड़ लोग तो सिर्फ एक स्टेटिन के कस्टमर हैं और स्टेटिन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट हमारे हाथ में है। और जो भी आज मेरे ऑडियंस, मतलब आज के जो ऑडियंस है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आपके दिल में आपके कहीं पर भी 0% भी कोई फियर है तो उस फियर को रिमूव कर दें, क्योंकि गामा और ओरिजिनल के इतने प्रूफ तो आपने देख लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि मैं हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी थोड़ी सी मेडिकल जांच कराए और 3 महीने तक 3 कैप्सूल पर डे ले, और फिर जो नई रिपोर्टें आती है वो उसके कॉन्फिडेंस को आसमान की हाइट तक पहुंचा देंगी। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे ईसा मैडम का कॉन्फिडेंस आज हाइट पर है, उतनी हाइट तक पहुंचा देगी कि आप दुनिया के किसी भी आदमी को इस प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे, क्योंकि आवाज फिर आपके दिलों से निकलेगी। और वैसे भी मेरा स्लोगन है कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो हम अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करें। और पूरी गारंटी शब्द मैडम ने इस्तेमाल किया है और गारंटी शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, अगर आप 3 महीने तक सेल्फ यूज कर लेते हैं। और मैं अगर और दिल से बोलूं, हमारी बॉडी 4 साल से कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है, 4-5 साल की उम्र से। बिल्कुल। और हमारा जो खान पान है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनता ही है, और आज के खान पान में तो ट्राइग्लिसराइड भी बनता ही है। और अगर मेडिकल के आंकड़े आप देख रहे हैं तो डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक और कितनी बीमारियां, और हॉस्पिटल उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल किसी भी चीज को मैनेज करता है, क्योर नहीं करता है। आज हॉस्पिटल आप जब अंदर एंटर करते हैं तो वो पहले आपसे साइन करवाता है कि गारंटी आपकी है, तब हम आपके ऊपर काम चालू कर रहे हैं।
और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल दिला सकता है, फ्रीडम फ्रॉम मेडिसिन दिला सकता है, फ्रीडम फ्रॉम साइड इफेक्ट दिला सकता है, और साथ में साइड इफेक्ट के साथ में यानी इतना सुंदर कि भरपूर दहेज साथ में लाने वाला प्रोडक्ट, और वो ऐसा दहेज जो हमारे लिए अत्यंत गुणकारी है। मतलब मैं इसको जितना रिकमेंड करना चाहिए उससे 1000 गुना रिकमेंड करूंगा। और आज की ट्रेनिंग के लिए अगर मैडम कुछ पॉसिबल हो तो, काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग अपने हाथ खड़े किए हुए हैं, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो वो आप प्रैक्टिकली कर लें। कदम जी को आप अगर हैंड ओवर कर देंगे तो कदम जी सब चेहरों को भी जानते हैं और वो हैंडल कर लेंगे, सवालों के जवाब तो आप ही को देने होंगे। मैं बहुत दिल से बार बार कहना चाहूंगा कि मुझे लगभग 50 करोड़ कस्टमर इस प्रोडक्ट के दिखाई देते हैं जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है किसी न किसी रूप में, और आप खुद यूज करें, लेकिन अगर अपनी पत्नी को प्यार करते हैं तो उनको भी यूज करवाएं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनको भी यूज करवाएं, सेल्फ यूज, अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो उनको भी यूज करवाएं। ये प्रोडक्ट नहीं वरदान है, और आरसीएम के लिए ये गॉड गिफ्ट है, और ऐसे करिश्मे केवल इंसान की बदौलत नहीं, ऊपर वाले के सपोर्ट से होते हैं, उतना ही करिश्मा इस प्रोडक्ट में और हेल्थ गार्ड के सपोर्ट में है, और मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। इसीलिए आज के प्रोग्राम को यूट्यूब पे किया गया ताकि वो रिकॉर्डिंग आपको मिले और ईसा मैडम की इस आवाज को आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दें। जिस तरह से आप दूसरे मैसेज पहुंचाते हैं, इस मैसेज को आप जितना फॉरवर्ड कर सकते करें, जिसका भाग्य बहुत प्रबल होगा। और आज की 11 बजे की ट्रेनिंग भी आपको हेल्थ गार्ड की मिल रही है, और डेली आपको कई तरह की ट्रेनिंग मिल रही है, और कदम सर हमारे बीच में इतनी, मतलब मैं अगर किसी का फैन हो सकता हूं तो वो कदम सर इतनी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, और उन्होंने एक यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया है जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन आपको टेक्निकल बनाने के लिए पूरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपका टेक्निकल आपको डायमंड तक ले जाए। वो यूट्यूब भी आप सब्सक्राइब करें, और बाकी की भी आप जो भी है हमारे कोर टीम के वो सब्सक्राइब करें और पूरी नॉलेज लें, और गामा ओरिजिनल का, हेल्थ गार्ड टीम का, और आज आने वाले सभी साथियों का मैं बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं। अगर अब आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन पॉसिबल है तो वो करें। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपकी पूरी टीम का और आज आने वाले सभी साथियों का धन्यवाद अदा करूंगा कि हमारी एक दिन की इंफॉर्मेशन से इतनी बड़ी क्राउड आ सकती है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हो तो कुछ लोगों को आप ले सकते हैं, कदम जी को आप वो होस्ट कर लें तो वो थोड़ा ज्यादा चेहरों को जानते भी हैं। जी, कदम जी और चैट तो आप ही देख पा रहे होंगे। चैट में से 11 बजे का भी प्रोग्राम है उसका, पर आपकी ट्रेनिंग में जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो तथ्य फैक्ट्स है वो मतलब किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता है। विनु जी चैट देख लीजिए, एक एक को वैसे बुलवाएंगे ना वीडियो पे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो चैट में जिसका अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट सवाल है वो दे दीजिए। जी मैम, सबसे पहले एक सवाल आ रहा है कि अगर जैसे कैप्सूल लेना भूल जाए तो क्या 2 सुबह और 1 शाम को लिया जा सकता है, या शाम को तीनों इकट्ठे ले लें? शाम को तीनों इकट्ठे भी ले सकते हैं, मैंने स्टडी भी करवाई हुई है, अगर कोई 13 कैप्सूल भी इकट्ठे ले लेगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 कैप्सूल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सही तरीका तो वही है सुबह दोपहर और शाम खाने से बिल्कुल पहले उसकी आदत डाल लीजिए। अब मुझे नहीं पता कैसे आदत डालेंगे, मैंने डाइनिंग टेबल पर रख लिया है तो मैंने ऐसे आदत डाली है, तो अगर भूल जाए तो ठीक है, डोजेज पूरी करनी जरूरी है, आप 2 कैप्सूल रात को ले सकते हैं। क्या गामा ओरिजिनल गैस एसिडिटी के लिए भी काम करेगा? जी हाँ, गैस एसिडिटी, आईबीएस, पेट के सारे जो विकार हैं उसकी भी हमारे पास कंफर्म स्टडीज हैं कि ये, आपको एक मैंने टेस्टिमोनियल भी दिखाया था जिन जो रेंटेक पे थे जो व्यक्ति, और उनकी रेंटेक कम्प्लीटली बंद हो गई है, यानी गैस्ट्रिक इश्यूज को ये बिल्कुल ठीक करता है। जी, और मैम क्या शुगर वाले पेशेंट इसे ले सकते हैं, उन्हें कितने दिन में आराम मिलेगा?
अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है, जैसे कई लोगों को बहुत जल्दी फायदा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 3 महीने मैं गारंटी करती हूँ कि 3 महीने में उन्हें खुद अपने शरीर पर उसका लाभ पता लग जाएगा। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन संवेदनशीलता उनकी बढ़ाएगा ये कुदरती तरीके से। जी, क्या सर्वाइकल में भी इफेक्टिव है ये? सर्वाइकल में बेसिकली योगा वगैरह वैसे उन्हें मैं रेकमेंड करूंगी कि उससे फायदा होता है, या जो डॉक्टर की सलाह लें आप। सर्वाइकल की मेरे पास कंफर्म स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ ये मांसपेशियों, हड्डियों और नर्व्स तीनों पे तो काम करता है, पर सर्वाइकल की मैं कंफर्म नहीं कह सकती कि उससे ठीक होगा, लेकिन बाकी के फायदे लेने के लिए मैं उनको जरूर रेकमेंड करूंगी कि वो जरूर लें। अगर कोई दूसरा कोई न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट या विटामिन या कैप्सूल्स ले रहे हैं तो क्या उसके साथ भी लिया जा सकता है इसे? जी हाँ जी हाँ, कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं उसके साथ आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, क्या हेपेटाइटिस बी के लिए गामा रेजोल को दिया जा सकता है? हेपेटाइटिस बी की मेरे पास कंफर्म स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ उनको भी यही कहूंगी कि बाकी सारे फायदों के लिए, स्पेशली इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले, बाकी फायदों के लिए वो जरूर ले। जी, और मैम एक कार्य, क्या ब्लड थिकनेस में लिया जा सकता है इसे? ब्लड थिकनेस में आपको एक जो मेडिसिन पे डॉक्टर ने डाला होगा उसके साथ आप लीजिए, और अगर आपको फर्क महसूस हो तो वो आपकी जो मेडिसिन है वो छूट सकती है, लेकिन आपने डॉक्टर की सलाह के बिना उसे बंद नहीं करना। जी, और जॉइंट पेन में कितनी बेनिफिशियल है गामा रेजोल? जॉइंट पेन को ऐसे ये पैरासिटामोल की तरह नहीं काम किया करेगा कि आपने ले लिया और ठीक हो गया जॉइंट पेन, ये लंबे समय तक अगर आप लोगे तो जॉइंट पेन आपका परमानेंटली ठीक हो जाएगा। जी, मोटापा कितने दिन में कम कर देगा गामा रेजोल? ये भी अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है, जैसे मेरे पास कोरियन वुमेन की स्टडी है कोरिया की, तो उनको 12 वीक्स लगे थे, 12 वीक्स में अगर वो वेट लॉस पे थे तो 12 वीक्स में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए थे 12 हफ्तों में। जी, क्या जिम जाने वालों के लिए फायदेमंद है गामा रेजोल? हाँ, यूएसए में ये एज अ मसल बिल्डर के रूप में बिकता है, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में बिकता है, बॉडी बिल्डर्स इसे खाते हैं, स्टीरॉयड का नेचुरल विकल्प है ये एक तरह से, जिसके जो कि स्टीरॉयड इतने बैन भी है, जिसके दुष्प्रभाव भी है, लेकिन ये एज अ बिकता है एज अ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, एज अ मसल बिल्डर फॉर एथलीट्स। क्या कैंसर के पेशेंट्स भी ले सकते हैं जिन्हें स्टेज 3 का कैंसर है? कौन सा है? लीवर कैंसर स्टेज 3। ओके, वो अपना ट्रीटमेंट जरूर जारी रखें साथ में, लेकिन अगर वो लेंगे उनको बहुत फायदा महसूस होगा, क्योंकि हमारे पास स्टडीज हैं कि ये हमारे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को कम करता है, उनके विकास को कम करता है गामा रेजोल। और क्या अल्जाइमर के पेशेंट्स भी इसे ले सकते हैं? जी हाँ, मैंने आपको यूएसए और इटली की स्टडी का बताया, आप वो डिटेल में स्टडी भी पढ़ सकते हैं, आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। उसमें उन्होंने दावा किया है कि अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में इसकी चिकित्सीय क्षमता है गामा रेजोल की। नर्व्स की प्रॉब्लम का सलूशन होगा गामा रेजोल से? जी हाँ, नर्व्स का होगा, न्यूरो प्रोटेक्टिव है गामा रेजोल। किस उम्र के बाद गामा रेजोल को दिया जाना शुरू किया जा सकता है? 18 ईयर्स से आप लेना शुरू कर सकते हैं गामा रेजोल को, क्योंकि सर ने भी आपको अभी बताया कि ये बिल्कुल सही है कि 4 साल की उम्र से ही, रादर बचपन से ही कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। अमेरिका में तो बोलते हैं कि 9 से 11 साल में आपका पहला कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो जाना चाहिए, तो जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है, 18 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए। जी, और मैम क्या जैसे किसी की अगर कोई भी दवा चल रही है बीपी की, थायराइड की, तो क्या वो दवा के साथ ही इसे ले सकते हैं? जी हाँ, दवा के साथ ही लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी को दवा की आदत हुई हुई है, आपने दवा छोड़कर उसे नहीं लेना, दवा के साथ लीजिए, धीरे धीरे आपकी दवा की डोजेज कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके आपको वो वाला इफेक्ट मिलता है जैसे बहुत सारे लोगों को मिला है, जैसे बीसी सर ने भी बताया उनका थायराइड तो कम्प्लीटली ठीक हो गया, तो आपको उसका इफेक्ट जब मिलेगा धीरे धीरे डोजेज कम हो जाएगी, और वो टाइम भी आएगा जब पूरी तरह आपकी वो फार्मास्यूटिकल दवा बंद हो जाएगी। जी, और मैम एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे स्टार्टिंग एज 18 इयर्स है, तो क्या ऐसी भी कोई एज है जिसके बाद नहीं देना चाहिए 70-80 साल के? ऐसी कोई मैक्सिमम एज नहीं है, 80-90-100 मतलब मैक्सिमम एज नहीं है, कभी भी जी। और किडनी प्रॉब्लम्स के लिए क्या गामा रेजोल को दिया जा सकता है?
किडनी प्रॉब्लम्स की मेरे पास कंफर्म स्टडीज नहीं है, उसका मैं आपको दावे के साथ नहीं कह सकती कि वो ठीक होंगी, लेकिन हाँ ओवरऑल बेनिफिट्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए आप जरूर लीजिए जी। और मैम अगर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, किसी का हार्ट ब्लॉकेज है, तो क्या वो सर्जरी के बाद गामा रेजोनेंस को ले सकते हैं? जी हाँ वो सर्जरी हुई है क्योंकि ब्लॉकेज था, कोलेस्ट्रॉल था, डिपोजिशन था, तो इसीलिए सर्जरी हुई है, तो अभी भी होगा और दवाइयां भी चल रही होंगी, तो अगर वो लेंगे तो उनको बहुत फायदा महसूस होगा जी। इसी के साथ मैम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो चैट में आए थे वो हमने कवर कर लिए, और अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का वहां पे समाधान करके आपको बता देंगे विद रिपोर्ट जी। ओवर टू यू मैम जी। कदम जी, जी सर आप कुछ कह रहे थे, और कोई क्वेश्चन आपका क्वेश्चन हो सर? नहीं, क्वेश्चन जो है नंबर उन्होंने दे दिया है, बाकी लोग कॉन्टेक्ट करके बात कर लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो बेरू जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और आपका तो जवाब ही नहीं है मैडम, इसी तरह आपके वैसे फैन है और बहुत बहुत लाजवाब ट्रेनिंग है, बहुत लोगों को बहुत लाभ मिला है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। एक कल JRCM JRCM मैडम सर, एक कल मॉर्निंग की मीटिंग में 8 बजे का बता दीजिएगा। हाँ, कल की मॉर्निंग की 8 बजे की, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी, हाँ कल मॉर्निंग में 8 बजे कदम सर रहेंगे, मैं रहूंगा, और टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है, और उसमें बहुत सारे अनटच्ड पहलू पे हम बात करेंगे, और प्रेजेंट सिनेरियो में बिजनेस में कितना, देखो मैं मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने मॉरल को इतना बूस्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों के जीवन में अंधेरा है, और आपके हाथ में जादुई चिराग है, थोड़ा सा अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और थोड़ी अपनी मॉरल बूस्टिंग करें, तो पूरा हिंदुस्तान आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप परिवर्तन समय जो है ना चीख चीख कर कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो RCM का मिशन है, उस मिशन को आप को पूरा करने का, जो बातें हम कहा करते थे कि 21वीं सदी RCM की है, वो समय अब आना नहीं है, आ चुका है। वर्तमान में जो भी परिस्थितियां चल रही है, लेकिन आपको अपनी आवाज को बड़ा करना है, अपनी टेक्निक को बड़ा करना है, और अपनी उपस्थिति को इतना व्यापक करना है, और अपने मॉरल और मानसिक क्षमताओं को इतना विकास करना है कि भारत के भाग्य विधाता बन के आप उभर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में वैसे प्रोडक्ट हैं, आपके हाथ में वैसे सिस्टम है, आपके हाथ में वो सब कुछ है, और आपके मन में किसी भी तरह का डर, शंका, भ्रम, वहम, वो जो कुछ भी है वो हम आपका कल हटा देना चाहेंगे, और आपकी इतनी एनर्जी से भरपूर करना चाहेंगे कि जो वर्तमान हालातों में आप ही फरिश्ते बनकर, हिंदुस्तान के मसीहा बनकर दुनिया के लिए काम कर पाए। अभी समय मांग कर रहा है कि अब आप अपने लिए नहीं, मानवता के लिए काम करें, आप अपने लिए नहीं देश के लिए काम करें, समय मांग कर रहा है कि अपने बारे में नहीं पूरे देशवासियों के बारे में सोचें, अपनी क्षमताओं का इतना विकास करें कि आप अपने अम्ब्रेला को इतना बड़ा कर सकें कि जिन जिंदगियों में धूप आई है उनको छाया दे सकें, जिन जिंदगियों में कांटे आए हैं उनको फूल बना सके, और बहुत ही मैं आपकी क्षमताओं पर बहुत बिलीव करता हूं, और मैं अपने शब्दों के माध्यम से हिंदुस्तान के हर RCM के डिस्ट्रीब्यूटर तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अभी समय है कि आप अपनी क्षमताओं का विकास करें, और मैं हमेशा से ये बात दिल से कहता आया हूं कि दुनिया में और किसी को भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हैं, और वो समय अब आ गया है। इसलिए कल का जो प्रोग्राम है वो आपकी क्षमताओं के विकास पर समर्पित रहेगा, वही 8 बजे का टाइम रहेगा, और मैं 8 बजे का टाइम इसलिए पसंद करता हूँ कि जिसकी सुबह अच्छी हो जाती है उसका दिन भी अच्छा हो जाता है, और दिन अच्छा हो जाता है तो शाम भी अच्छी हो जाती है, और जिसकी सुबह दिन शाम अच्छी हो जाए उसका वीक महीना और साल अच्छा हो जाता है, और फिर उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है, और सुबह ही एनर्जी मिल जाए, और सुबह आज ईसा मैडम ने जिस तरह की इंफॉर्मेशनल एनर्जी, जितनी पावरफुल एनर्जी दी है, मैं गामा और रिजोनेंस के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन आज की ट्रेनिंग से ऐसा लग रहा था
कि मैं रीजनरेट हो रहा हूँ और मैं दो ही प्रोडक्ट दो डेली के यूज कर रहा था, आपने आज तीन का गाइडलाइन दे दिया तो मुझे और अच्छा लगा। और मैं जो थोड़ी बहुत शिथिलता मेरे काम करने में आई होगी वो आज आपने वापस बूस्ट कर दी। थैंक यू सो मच मैम और थैंक यू टू ऑल विजिटर्स एंड थैंक यू ऑल लीडर जिन्होंने एक दिन की आवाज पे इतना बड़ा सपोर्ट दिया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ बहुत तहे दिल से। कदम जी का और सारी टीम का और सारे साथियों का, सारे इंडियंस का, सारे हरसिंह परिवार का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और खास तौर से ऊपर वाले परमपिता परमात्मा का कि वो हमें गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड जैसे प्रोडक्ट लाके देता है और ईसा मैडम जैसे बेहतरीन दिल से आवाज निकालने वाले, मतलब मैं उनको ट्रेनर बोलूंगा तो ये बहुत ही छोटा शब्द हो जाएगा, इतने बढ़िया गाइडर, मतलब इतने बढ़िया अम्ब्रेला के रूप में जो कहते हैं कि सबके दिलों में। और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको मेडिसिन नहीं समझे, ये एक सप्लीमेंट है जो दिल खोल के सबको दिया जा सकता है और जो भी बॉडी 3 महीने तक इसको यूज करेगी उसकी बॉडी में इसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट रिफ्लेक्ट होगा 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 ही होगा। और एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, अनेक पॉजिटिव इफेक्ट होंगे और साइड इफेक्ट 0 होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बाद कह रहा हूं। थैंक यू सो मच। संजीवनी बूटी है सर, हनुमान जी वाली। बिल्कुल नाम हनुमान जी वाली संजीवनी बूटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल वाकई है, पर आज मैडम ने उसको और एनरिच कर दिया हमारी इंफॉर्मेशन को। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कदम। 11 बजे की आज की मीटिंग और आज 12 बजे मेरा एक लाइव शो भी आने वाला है जिसमें हिंदुस्तान के क्वेश्चन आएंगे, मैं उनके आंसर दूंगा, वो जेके जैन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर कहीं से आपको उसका सोर्स मिल जाता है तो वो भी यूट्यूब पे ऐसा है। ठीक है सर जी, जेके जैन साहब की तरफ से वो भी आप कर सकते हैं और कल 8 बजे मैं फिर आपका इसी तरह से बार वेलकम करने के लिए तहे दिल से तैयार हूँ। और मेरे को जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि 20 तारीख को कदम जी लार्ज लेवल पे ऑल इंडिया के हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो करोड़ों लोगों तक कदम जी की आवाज जाएगी और हिंदुस्तान को जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत है और वर्तमान में जो चुनौतियां परिस्थिति और अवसर आए उनकी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर मैडम। थैंक यू मैनू जी। जय आपकी। जय भारत।